मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हैं हमारी BLIE 227 की क्लास नंबर 7 में, जहां हम देखेंगे हैंगिंग बुक सेकंड टाइप, बुक बाय कोलोबरेटर और कोलोबरेटर्स। और कोलोबरेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं उन्हें आप यहां देख सकते हैं, जैसे एडिटर, ट्रांसलेटर, इलस्ट्रेटर, रिवाइजर, असिस्टेंट, कंपोजर, कंपाइलर, समटाइम्स इंट्रोड्यूसर। तो ये आपके सभी कोलोबरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। इस टाइप की बुक में स्टूडेंट्स ध्यान देना, ऑथर ऑथर्स नहीं होंगे। स्टूडेंट इस टाइप की बुक में सिर्फ कोलोबरेटर हो सकते हैं, ऑथर्स नहीं होंगे। कोलोबरेटर्स एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर बुक के लिए मैं एक फॉर्मेट बना कर दूंगा, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको एंट्री सोल्व करनी है। तो चलिए इस बुक के लिए फॉर्मेट बनाते हैं और फिर एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए अब हम बनाते हैं फॉर्मेट फॉर हैंगिंग बुक सेकंड टाइप, बुक बाय कोलोबरेटर्स, जैसे एडिटर, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इलस्ट्रेटर। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया था, हैंगिंग बुक हमेशा टाइटल से स्टार्ट होती है, चाहे वो फर्स्ट टाइप हो चाहे वो सेकंड टाइप हो। तो इसका फॉर्मेट बनाते हैं और फिर उसी फॉर्मेट को देखते हुए हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉल नंबर, और कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से आता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ हेडिंग में लिखेंगे टाइटल और कोलन लगाकर सब टाइटल। अब स्टूडेंट यहाँ स्लैश लगाएंगे, स्लैश लगाकर जो भी कोलोबरेटर आपके दिए हुए हैं उनको हमें यहाँ मेंशन करना है। जैसे आपकी बुक में मान लीजिए दो कोलोबरेटर दिए हुए हैं, एक एडिटर और एक ट्रांसलेटर, तो उनको कैसे लिखेंगे? जरूरी नहीं है दो ही दिए हुए हों, दो से ज़्यादा भी लिए दिए जा सकते हैं। फर्स्ट को लिखना है यहाँ पर स्लैश के बाद, और बाकी सभी को हम सेमी कोलन से सेपरेट करके लिखेंगे। अब मान लीजिए दो आपके एडिटर दिए हुए हैं, तो एक मैंने यहाँ लिख दिया है और एक मैंने यहाँ लिख दिया है। अब सेमी कोलन लगाकर लिखेंगे ट्रांसलेटेड बाय नेम। स्टूडेंट अब और भी कोई कोलोबरेटर दिया हुआ है तो उसको भी हम सेमी कोलन लगाकर और लिख सकते हैं। जैसे मैं एक और लिख देता हूँ, कंपाइल्ड बाय नेम। अब स्टूडेंट हमें यहाँ डॉट और स्पेस लगाकर लिखना है एडिशन। अगर सेवंथ एडिशन दिया है तो सेवंथ एडिशन, और एट्थ दिया है तो एट्थ। फिर डॉट और स्पेस लगाएंगे, फिर लिखेंगे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। अब स्टूडेंट लिखेंगे कोलन लगा के पब्लिशर्स नेम। अब स्टूडेंट लिखेंगे कोमा लगाकर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ईयर लिखने के बाद अब यहां हम वेरी नेक्स्ट लाइन में पेजिनेशन देंगे, साइज देंगे और सीरीज लिखेंगे, जैसा कि हमने पहले कार्ड्स में किया हुआ है। सीरीज के बाद स्टूडेंट्स यहां देंगे हम ISBN नंबर, और स्टूडेंट यहां फोर्थ लाइन में हम लिखेंगे एक्सेशन नंबर। तो स्टूडेंट देखिए यहां ये हमने फॉर्मेट बना दिया है। तो स्टूडेंट ये बन गया आपका फॉर्मेट फॉर हैंगिंग बुक सेकंड टाइप, बुक बाय कोलोबरेटर्स। अब इसी फॉर्मेट को देखते हुए एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहां देख रहे होंगे ये दिया हुआ है एक क्वेश्चन, हैंगिंग बुक सेकंड टाइप, बुक बाय कोलोबरेटर्स। यहां देखिए ये दिया हुआ है स्टूडेंट टाइटल और ये एडिटर देवी प्रसाद वर्मा, ट्रांसलेटेड बाय रवि के वर्मा, ये पब्लिशर, ये आपके दो प्लेसेस दिए हुए हैं, ये ईयर दिया हुआ है, यहाँ कॉल नंबर। नीचे ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, यहाँ दी हुई है सीरीज, सीरीज ऑन इंडियन सोसाइटी, एडिटेड बाय आरपी सिंह। तो यहाँ पर एक सीरीज है और सीरीज का एडिटर है। तो स्टूडेंट चलिए अब इसको सोल्व करते हैं हम। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको, ये एंट्री टाइटल से स्टार्ट होती है और पहले हम यहाँ लिखेंगे कॉल नंबर, कॉल नंबर पेंसिल से, कॉल नंबर इज इक्वल टू क्लास नंबर और बुक नंबर, यहाँ लिखेंगे क्लास नंबर और बुक नंबर। हेडिंग में लिखेंगे टाइटल हिस्ट्री एंड सोसाइटी। देखिए स्टूडेंट यहाँ सबटाइटल नहीं दिया हुआ तो हम भी सबटाइटल नहीं लिखेंगे। यहाँ ऊपर फॉर्मेट दिया हुआ है स्टूडेंट आपका हैंगिंग बुक सेकंड टाइप का, इसमें भी जो चीज़ ना दी हुई हो वो और उससे पहले जो सिंबल दिया हुआ है वो हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ सबटाइटल नहीं है तो सबटाइटल और उससे पहले दिया गया सिंबल कोलन वो यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एडिटेड बाय, तो हम यहाँ लिखेंगे एडिटेड बाय। अब स्टूडेंट सेकंड दिया हुआ है ट्रांसलेटेड बाय, तो हम यहां लिखेंगे ट्रांसलेटेड बाय रवि के वर्मा।
अब स्टूडेंट यहां हम लिखेंगे एडिशन, ऊपर देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है सेवंथ रिवाइज्ड एंड इनलार्ज्ड एडिशन, तो इसको हम देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप ये एब्रीवेशन देंगे रिवाइज्ड आर ई वी डॉट एंड ई एन एल जी इन लार्ज के लिए और ई डी। अब स्टूडेंट डॉट और स्पेस के बाद लिखेंगे यहां प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपके प्लेस दो दिए हुए हैं, तीन दिए हुए हैं या चार दिए हुए हैं, तो आप जहां से बैठकर कैटलॉगिंग कर रहे हैं उसके नजदीक जो प्लेस होगा वो प्लेस हम लिखते हैं। न्यू दिल्ली, क्योंकि मेरे नजदीक न्यू दिल्ली है तो लिखेंगे न्यू दिल्ली। अब स्टूडेंट कोलन लगाकर लिखेंगे पब्लिशर्स नेम, पीवीटी लिमिटेड नहीं लिखेंगे, जस्ट नेम ऑफ पब्लिशर। अब स्टूडेंट लिखेंगे कोमा लगाकर ईयर। अब वेरी नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे पेजिनेशंस, क्योंकि 22.4 था तो इसलिए मैंने 23 सेंटीमीटर लिखा है। अब स्टूडेंट यहां सीरीज दी हुई है तो डॉट और स्पेस देकर ब्रैकेट में हम लिखेंगे सीरीज, और इसका एडिटर भी दिया हुआ है तो उसको भी यहां मेंशन करेंगे। स्लैश लगाकर लिखेंगे एडिटेड बाय। स्टूडेंट जब सीरीज का एडिटर दिया हुआ हो तो इस प्रकार लिखते हैं हम, और ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट आपने देखा सीरीज आपकी फर्स्ट इंटेंशन तक जा सकती है। अब यहां लिखेंगे स्टूडेंट आईएसबीएन नंबर, स्टूडेंट इधर लिखेंगे फोर्थ लाइन में एक्सेशन नंबर। तो स्टूडेंट देखिए ये बन गई आपकी मेन एंट्री। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप हैंगिंग बुक सेकंड टाइप की मेन एंट्री बनाएंगे। अब चलिए देखते हैं कौन कौन सी आपकी एडिड एंट्रीज बनेंगी इस टाइप की बुक में और आपके क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। यहां देखेंगे स्टूडेंट कौन कौन सी एडिड एंट्री बनेंगी। तो फर्स्ट बनेगी यहां सब्जेक्ट एडिड एंट्री, सेकेंड बनेगी स्टूडेंट यहां एडिटर की एडिड एंट्री या फिर आप कहें कोलोबरेटर एडिड एंट्री, थर्ड बनेगी स्टूडेंट यहां ट्रांसलेटर एडिड एंट्री। स्टूडेंट चूंकि ये बुक आपकी हैंगिंग बुक है, हैंगिंग बुक में टाइटल की एडिड एंट्री नहीं बनती है तो हम टाइटल की नहीं बनाएंगे। अब बनेगी सीरीज एडिड एंट्री फोर्थ नंबर पर। तो देखिए स्टूडेंट यहां एक रेफरेंस कार्ड बनेगा, मैंने बताया था आपको सीरीज के साथ अगर सीरीज का एडिटर दिया हुआ हो तो उसके लिए रेफरेंस कार्ड बनता है, या फिर हमारी सेडोनियम बुक हो उसके लिए रेफरेंस कार्ड बनता है, या फिर ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें दो सब्जेक्टों की झलक हो जैसे बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इस तरीके के सब्जेक्ट्स के लिए भी हम रेफरेंस कार्ड बनाते हैं। तो यहाँ रेफरेंस कार्ड बनेगा एक। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम इन एडिड एंट्रीज को बनाते हैं। सबसे पहले बनेगी स्टूडेंट्स सब्जेक्ट एडिड एंट्री, यहां लिखते हैं सब्जेक्ट एडिड एंट्री। अब जैसे कि स्टूडेंट मैंने बताया था सब्जेक्ट एडिड एंट्री बनाते हुए हमें मेन एंट्री का कुछ पोर्शन सेव, कॉल नंबर हेडिंग सेक्शन में टाइटल और रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। अब स्टूडेंट अभी यहां सब्जेक्ट लिखना होगा तो मैंने इसका सब्जेक्ट बनाया है सोशियोलॉजी डैश हिस्ट्री। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं सब्जेक्ट एडिड एंट्री बनाते हुए हमें सब्जेक्ट कैपिटल लेटर में लिखना होता है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। यदि आपके पास वो सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग नहीं है तो आप इस टाइटल को देखते हुए भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बनाएंगे नेक्स्ट एडिड एंट्री। तो स्टूडेंट यहां बनाएंगे हम एडिड एंट्री एडिटर और यहां लिखेंगे एडिड एंट्री एडिटर, वही मेन एंट्री का कुछ पोर्शन सेम, कॉल नंबर टाइटल और रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। अब स्टूडेंट हम देखेंगे हमारा एडिटर कहां है, ये देखिए ये है आपका एडिटर एडिटेड बाय देवी प्रसाद वर्मा। तो स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे हेडिंग में, वर्मा देवी प्रसाद सरनेम फोरनेम। तो स्टूडेंट ये बन गई आपकी एडिड एंट्री एडिटर। अब हम बनाते हैं एडिड एंट्री ट्रांसलेटर,
यहां लिखेंगे एडिड एंट्री ट्रांसलेटर। अब वही मेन एंट्री का कुछ पोर्शन सेम, कॉल नंबर, टाइटल और रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। यहां स्टूडेंट देखेंगे आपका ट्रांसलेटर कौन है, रवि के वर्मा, तो ये क्या हो जाएगा, वर्मा रवि के। स्टूडेंट यहां देखिए ये बन गई आपकी एडिड एंट्री ट्रांसलेटर। अब हम बनाएंगे एडिड एंट्री सीरीज, यहां लिखेंगे एडिड एंट्री सीरीज और वही मेन एंट्री का कुछ पोर्शन सेम, कॉल नंबर, टाइटल और रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। अब स्टूडेंट यहां लिखेंगे हम सीरीज, सीरीज क्या दी हुई है, सीरीज ऑन इंडियन सोसाइटी। तो स्टूडेंट ये बन गई आपकी सीरीज एडिड एंट्री। अब इसमें हमें एक रेफरेंस कार्ड बनाना होगा, तो चलिए देखते हैं रेफरेंस कार्ड कैसे बनता है। तो स्टूडेंट हम यहां लिखेंगे रेफरेंस कार्ड एडिटर फॉर सीरीज। अब स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, हमें यहां पर सीरीज के एडिटर के लिए रेफरेंस कार्ड बनाना है, तो हमें यहां मेन एंट्री का कोई पोर्शन नहीं लिखना है, जस्ट हमें रेफरेंस कार्ड बनाते हुए सीरीज के एडिटर और उस सीरीज को ही दर्शाना होगा। और वो कैसे, हेडिंग में अब आपके यहाँ आएगा एडिटर्स नेम और वो भी सरनेम फोर नेम, जैसे सिंह आरपी, और यहाँ लगाएंगे आप स्टूडेंट ईडी कोमा लगाकर ईडी, और कई बार इसे अंडरलाइन भी कर देते हैं क्योंकि ये इटैलिक में लिखा जाता है बट इटैलिक नहीं हो पाता हैंड से, तो इसे हम ईडी लिखकर अंडरलाइन कर देते हैं। और यहां लिखेंगे सी सीरीज ऑन इंडियन हिस्ट्री। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप रेफरेंस कार्ड बनाएंगे। और एक चीज विशेष ध्यान रखना स्टूडेंट, इस रेफरेंस कार्ड के लिए ट्रेसिंग नहीं करते, इट मींस सीरीज कार्ड की कभी ट्रेसिंग नहीं होती। तो देखिए स्टूडेंट ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई है, अब हम जाएंगे मेन एंट्री में और वहां ट्रेसिंग करेंगे और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम यहां करेंगे ट्रेसिंग, जैसे कि आप जानते हैं ट्रेसिंग इज टू ट्रेस ऑल द एडिड एंट्रीज इनटू द मेन एंट्री। तो जो भी हमने एडिड एंट्रीज बनाई हैं उनको मेन एंट्री में दर्शाना है। कैसे, जैसे यहां लिखेंगे हम फर्स्ट, और फर्स्ट लिख के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, सोशियोलॉजी हिस्ट्री। अब स्टूडेंट फर्स्ट लिखेंगे हम एडिटर का जो नाम दिया हुआ था, वर्मा देवी प्रसाद। सेकंड लिखेंगे स्टूडेंट्स हम वर्मा रवि के, और थर्ड पर लिखेंगे स्टूडेंट हम सीरीज। सीरीज की ट्रेसिंग करते हुए सिर्फ हमें सीरीज ही लिखना होता है, पूरा सीरीज का नाम नहीं लिखते। तो देखिए इस प्रकार स्टूडेंट आपकी हैंगिंग बुक सेकंड टाइप सोल्व होगी। इस तरह से क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ होगा और आपको ये सोल्व करना होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ समझ नहीं आया है आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।